हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की फ्रेश वीडियो में आप लोगों का। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं जॉब से रिलेटेड आप लोगों से शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन कि इस टाइम पे गोवा में जॉब अवेलेबल कहाँ पे है और कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये वीडियो जो है फ्रेशर्स के लिए है, फ्रेशर जो लोग भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों को भी जो लोग गोवा के जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो लोग गोवा में प्रेजेंट हो इस टाइम या फिर आउटर स्टेट से आना चाहते हैं गोवा, तो बिल्कुल आप लोग गोवा आ सकते हो। यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज जो है आई हुई है, तो इसी वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि कभी किस जगह पे किस लेवल की पोस्ट खाली है, कहाँ पे हायरिंग चल रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले अप्लाई कर सको, क्योंकि अप्लाई जितनी जल्दी करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिवर्ट मिलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो वैकेंसीज आई हुई है वो है टेक्नीशियन लेवल पे। टेक्नीशियन लेवल पे जो वैकेंसीज आती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है, जहां पे चाहे वो ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर बीओपीपी लाइन की हो, एमपीपी लाइन की हो, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज होती हैं उस टाइप की जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन में आती है। तो अभी जो क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो मांगी गई है आईटीआई इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए आप लोग, या फिर मैकेनिकल से, या फिर फिटर। ये तीन लेवल पे अभी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करें इसमें कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट, उन लोगों को अप्लाई कैसे करना है और एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो कितना एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो तब भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेशर वेलकम है इस जॉब के लिए, और जो जिनको एक्सपीरियंस है, अगर एक साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वो बस डिफरेंस जो आने वाला है वो है सैलरी स्ट्रक्चर में। सैलरी में डिफरेंस आएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो करंट जो सैलरी होगी फ्रेशर की वो दी जाएगी, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किसी भी स्टेट में काम किया हो, ये नहीं कि सिर्फ गोवा में आपने काम किया हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है, या कहीं छोटी मोटी आपने शॉप में काम किया है, चाहे मैकेनिकल पे या इलेक्ट्रिकल पे, फिटर का काम किया है किसी भी वर्कशॉप में, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल हैं। सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होने वाला है। आगे मैं बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। और ये जो जॉब है इसमें एज लिमिट कितनी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे सर मैक्सिमम एज कितनी होती है। देखिए, हर जॉब की अलग अलग एज होती है, होटल सेक्टर में अलग होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग होती है, आईटी सेक्टर में अलग एज है, बट जो अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो होती है इसकी एज सबसे ज्यादा होती है। तो अभी जो मैक्सिमम एज मांगी गई वो 40-50 प्लस भी अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट उसके बिहा पे आपको अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है कि आपसे मांगा जाएगा। बट जो लोग जिन्होंने अभी कॉलेज पास आउट किया है वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम जो है एज लिमिट वो है 18। अगर 18 साल से आप कम हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर 18 साल से आप अबव हो तो आप इस जॉब के लिए 100% एलिजिबल हो। जॉब लोकेशन की बात करूं दोस्तों, ये मड़गांव और वास्को दोनों जगह पे निकली हुई है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, आप वहां जाके अपना सीवी सेंड करें, सब्जेक्ट में जरूर मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इस जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई कमेंट हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे दे सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपके कई सारे क्वेरी का जो आंसर है वो कर दूंगा। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों से जो लोग भी जॉब सीकर्स हैं और गोवा के जॉब करना चाहते हैं, या आप लोग जहां से बिलोंग करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ ताकि मैं अगली वीडियो आप लोगों के स्टेट से ही रिलेटेड बनाऊं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब ऑफर जो है वो आपको पता चले और आप लोग वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।